हेलो दोस्तों, मैं हूँ जॉन और मैं आज आपको आसाम गवर्नमेंट का, आसाम बॉयलर बोर्ड का, बीओई का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन के बारे में बता रहा हूँ। तो ये जो बीओई का एग्ज़ाम है आसाम गवर्नमेंट का, इसका नोटिफिकेशन निकल गया है और इसका जो लास्ट डेट है वो 7/8/2023 है। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन डाउनलोड करना है तो ये वेबसाइट दिया है www.cib.assam.government.in पे। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद सभी जो डॉक्यूमेंट है वो इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है। तो वो जो एड्रेस है वो है चेयरमैन बोर्ड ऑफ एग्जामिनर फॉर बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर एग्जामिनेशन, ऑफिस ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर, आसाम, लालमती, गुवाहाटी 29, आसाम। तो ये 7/8/2023 के पहले आपको यहाँ इस एड्रेस पे भेजना है। तो ये जो एग्ज़ाम है इसमें क्या क्या डिटेल चाहिए, कितना फीस चाहिए, इसमें पूरा दिया है। तो ये नोटिफिकेशन आप किस वेबसाइट से डाउनलोड करना है, www.cib.assam.government.in पे। तो ये आपको पूरा नोटिफिकेशन इसमें दिखेगा। तो जो भी एग्ज़ाम फीस है वो 2000 रुपये है। तो ये जो फीस आपको भरना है ये www.assamgrass.government.in पे जाके आपको एग्ज़ाम फीस भरना है, ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम है इसमें 3 पेपर रहेंगे, सभी स्टेट के जैसे एग्ज़ाम होती है इस तरह से इसका 3 पेपर है और इंटरव्यू है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है बीओ एग्ज़ाम के लिए, ये है कि 23 ईयर कम्प्लीट होना चाहिए और डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए। अगर डिप्लोमा है तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और डिग्री है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, प्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच वाले भी इसमें भर सकते हैं, ठीक है। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं और आपको अगर एग्ज़ाम में बैठना है तो आप NOC लेके बैठ सकते हैं। तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो सिर्फ अटेस्टेड कॉपी है और सभी डॉक्यूमेंट के, और 2 कॉपी जो आप रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, NOC चाहिए और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरा भरा हुआ है चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए जो फॉर्मेट दिया है नीचे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो है ये आपको डिटेल में भरना है, ये फॉर्म है, फॉर्म में इसमें फ़ोटो लगाना है और ये जो फॉर्म है वो डिटेल में भरना है। इसके जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट, इसमें आपको डिटेल में भरना है। डिटेल में भरने के बाद आपको दिए हुए एड्रेस पे भेजना है, ये डिक्लेरेशन फॉर्म है। और इसके बाद जो सर्विस सर्टिफिकेट है, ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट दिया है आपके पास जितने बॉयलर है उसका पूरा डिटेल में होना चाहिए। समझो आप एक बॉयलर पे काम कर रहे हो तो सिंगल बॉयलर का, अगर 2 बॉयलर पे होंगे तो उनको डिटेल में 2 बॉयलर का डिटेल वहाँ पे देना है। और ये NOC सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये सभी आपको ये डिटेल में भर के देना है, ठीक है। तो इसके लिए सिलेबस भी इसमें दिया है, 3 पेपर का जो सिलेबस है वो डिटेल में चेक करके आपको पढ़ाई करना है। तो दोस्तों, अगर इसमें आपको अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप मेरे को